हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेहरबानी हाल चाल दिस इज मिस्टर सोम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉल लाइट मैंने तो अभी बज रहे सुबह के 5:30 और अभी मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। पूजा और बेबी वगैरह सो रहे हैं, पूजा जाग गई है बट ना उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई क्योंकि रात में वो जागती रही। उसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बाहर चल के बताऊँगा आराम से ऑटो पकड़ने के बाद। तो फिलहाल अभी निकलते हैं। बितुले बितुला भी जाग गया, ये चल बिटुला ताता टाटा बिटुला टाटा। तो ये मम्मी पूजा बिटुला सभी लोग टाटा बाय करने आए हैं। चलो टाटा बाय बाय, ठीक है, ख्याल रखना। हाँ चलो मोहन जी। तो अभी 6 बज चुके हैं और मेरी 6:35 की ट्रेन है। अगर मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ, ऑटो मिल जाता है मेरे को टाइम पे यहाँ से, तो मैं टाइम पे पहुंच जाऊँगा, वरना थोड़ा चांसेस है लेट होने के। फिलहाल पहुंच जाएंगे, टाइम पे पहुंच जाएंगे आराम से। अभी ऑटो देखते मिल जाए यहाँ पर। भाई स्टेशन पहुंच चुके हैं और 10 मिनट लगे मुझे यहाँ पर आने के लिए। एक ऑटो वाले भैया मिल गए थे, उन्होंने बोला कि 50 रुपये दो हम पहुंचा देते तुमको। एक मेरा भाई वो 100 रुपये मांग रहा, मैंने कहा ना भाई 50 रुपये लगते बगल में तो है ही। तो फिर दूसरे अंकल मिले, उन्होंने पहुँचा दिया। तो भाई कुछ ऐसा है ग्वालियर का स्टेशन। और हाँ, मैं मास्क लेना भूल गया था, तो फिर मुझे याद आया, फिर मैंने रास्ते से खरीदा। मेरे को लगा मैंने बैग में डाल लिया है, बट जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मास्क तो ही नहीं। स्टेशन पे सबसे ज़्यादा बोरियत वाला काम हो रहा है सीढ़ियाँ चढ़ना। यार बगल वाला एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा, और ठीक है आज सुबह जिम तो जा नहीं रहे और आज लेग का वर्कआउट करना था, तो चलो यहाँ से हो जा रहा। आज लेग डे था, तो आज लेग डे वाले दिन हमने वर्कआउट मिस किया था, बट स्टेशन आके वो हो गया इन सीढ़ियों पर चढ़ के। तो अभी हमारी गाड़ी इस वाली गाड़ी के बाद आएगी। तो भाई यहाँ पर हमारा ट्रेन का डिब्बा जो है लगने वाला है 12269S6। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है। यहाँ पर हमारा 30 तो आपका भाई पहुँच चुका है दिल्ली और ये हजरत निजामुद्दीन का स्टेशन है, उसके सामने खड़ा हूँ। तो अभी सबसे पहले भूख लगी जोरों की, तो पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद जो काम है उनको निपटाएंगे जल्दी जल्दी। तो अभी हमें ऑटो मिल चुका है जहाँ हमें जा रहा है वहाँ के लिए, और जो पहले शख्स मिले हमें निजामुद्दीन पे जो करते ही मतलब दिल्ली मैटर करते ही, वो है सुरेश जी। सुरेश जी हमें छोड़ने वाले हैं हमारी डेस्टिनेशन पर, तो अभी चलते हैं और वहाँ पर जाके हम नाश्ता वास्ता करेंगे। अभी यहाँ पर स्किप कर दिया ये प्लान। अभी मैं हूँ ओखला फेस वन में, और यहाँ पर मैं पूरे 2 साल बाद आ रहा हूँ, मतलब 2 साल से ज़्यादा ही हो गया। 2020 में आया था मैं, मतलब यहाँ पर मेरा ऑफिस हुआ करता था, उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इन रास्तों पर जाके। ये यहाँ पर एक स्वीट्स की शॉप थी जहाँ पर हम लोग बैठ के जब हम लोग ऑफिस से घर पर आते थे तो हम लोग यहाँ पर बैठ के खाना वाना खाते थे, कुछ भी मतलब स्वीट्स वगैरह खाते थे, समोसे खाते थे। तो वही सारी चीज़ें पुरानी वापस से याद आ रही हैं। यहाँ पर आगे चल के हम वहाँ पर खाना वाना खाते थे, आपको दिखा। तो ये शॉप थी यहाँ पर हम लोग है ना नाश्ता वगैरह करते थे, वहाँ पर खाना खाते थे, यहाँ पर भी खाते थे। तो काफ़ी टाइम बाद वापस आ गए यहाँ पर, वो सारी मेमोरीज पुरानी जो है वो एकदम रिफ्रेश हो रही है, याद जो है वो ताज़ा हो रही है। तो अभी जो मेरी मीटिंग थी वो कम्प्लीट हो चुकी है और सब कुछ अच्छा रहा। काफ़ी सारे पुराने लोग थे जिनसे मिल के बहुत अच्छा लगा, साथ में सब लोगों ने लंच किया और पुरानी यादें जो थी वो ताज़ा हो गई। मिल के थोड़ी बहुत बात बात की, आप लोगों को व्लॉग में दिखवा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी एंड इतना टाइम ही नहीं मिला, सब कुछ बिजी में हो गया। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नोएडा, क्योंकि अभी ये लैपटॉप है मेरे पास, मेरी जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर मुझे डिलीवर करने हैं क्योंकि ये ख़राब हो गए थे और मेरे को कुरियर करवाने थे। तो अभी वो करते हैं काम, फिर नोएडा पहुँचते हैं, वहाँ पर एक दोस्त है उनसे भी मिलना है। तो अभी भाई मैं मेट्रो पकड़ने जा रहा हूँ कालका जी की, और अभी यहाँ पर हूँ मैं गोविंदपुरी वाले स्टेशन पर। गोविंदपुरी वाले स्टेशन से मेट्रो पकड़नी है मैं कालका जी की, और कालका जी से ट्रेन चेंज करनी है नोएडा सिटी सेंटर के लिए। मैं भी काफ़ी दिनों बाद दिल्ली आया हूँ, तो अभी मेट्रो का जितना भी सिस्टम है सब भूल चुका हूँ, कौन सी लाइन कहाँ से मिलती थी
पहले सब याद हो गया था, बट अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो समझने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ मतलब कहाँ से कौन सी लाइन जा रही है, कनेक्ट कर रही है। और इसकी एक एप्लीकेशन होती थी, वो डाउनलोड कर लूँगा तो फिर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है और उसमें मतलब बहुत ईजी तरीके से समझाया गया है। तो अभी जाना है बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन से हमें मिल जाएगी नोएडा सिटी सेंटर के लिए, सिंपल है। तो ये है अभी वॉयलेट लाइन और यहाँ से मुझे मिलेगी अभी बोटैनिकल गार्डन के लिए, उसके बाद फिर मेरे को चेंज करनी पड़ेगी नोएडा सिटी सेंटर के लिए। बहुत झूल है बट सिंपल है अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए। अभी आपको ये इतना कुछ खाली दिख रहा है ना एरिया, ये यहाँ पर इस साइड में और उस साइड में भी, तो ये भी डे टाइम में यहाँ पर खाली रहता है, बट यही मॉर्निंग में आप आओगे और जब आप इवनिंग में आओगे, ऑफिस आवर्स जब होते हैं बेसिकली, जब ऑफिस शुरू होते हैं और जब ऑफिस ख़त्म होते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पर इतनी भीड़ होती है ना, आपको मतलब आप अपने आप चले जाओगे, आप सब खड़े हो जाओ यहाँ पर, अपने आप अंदर मेट्रो के अंदर चले जाओगे, अपने मेट्रो के बाहर आ जाओगे। अभी मैं हूँ बोटैनिकल गार्डन पे, यहाँ से मुझे तीसरी मेट्रो चेंज करनी है जो कि मुझे छोड़ेगी नोएडा सिटी सेंटर पे, और वहाँ से फिर हम रिक्शा करके जाएंगे जहाँ पर हमें जाना है हमारी कंपनी में, और लैपटॉप देंगे और उसके बाद हमारे जो दोस्त उनसे मिलेंगे, तो करते हैं। तो जी लोग, हमारी तीसरी गड्डी भी आ गई है और ये देखो कितनी लंबी गड्डी है हमारी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अभी एक पंगा हो गया, प्लान में एक चेंज आ गया। मुझे जाना था नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, यानी कि बेसिकली मुझे जाना था नोएडा सेक्टर 63 जिसको हम कहते हैं नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और मैंने जो टोकन लिया वो लिया है नोएडा सिटी सेंटर का। तो ये पंगा हो गया, अभी दोबारा से टोकन लेना पड़ेगा, यहाँ से पहले एग्जिट करते हैं, दोबारा टोकन लेते हैं, देन फिर जाएंगे। तो अभी मैंने मेट्रो के जो स्टाफ उनसे बात की और उनको अपनी सिचुएशन समझाई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप किसी टोकन को लेके जाओ और आपको यहाँ एग्जिट करना है, वहाँ एग्जिट करो और आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो वहाँ पर काउंटर में आप दे देना अगर मैं वहाँ पर एग्जिट करता नोएडा सिटी सेंटर पे और फिर दोबारा टोकन लेता, तो टोकन मेरे को पड़ता 30 रुपये का, अभी मेरे को सिर्फ 10 रुपये देने हैं, यानी कि 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। अच्छी बात है। फाइनली हम काफ़ी जद्दोजहद और परेशानी के बाद नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर पहुँच चुके हैं और अभी पहुँचते हैं हमारी ऑफिस वाली लोकेशन पर, और ऑफिस में लैपटॉप सबमिट करते हैं और फिर जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने और फिर वापस घर भी जाते हैं। तो अभी मैं दिल्ली में आया था, सारे काम निपट चुके हैं और अभी मैंने स्वीटा को कॉल किया था, तो स्वीटा आई है मिलने के लिए टाइम निकाल के, बट मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ट्रेन पकड़नी है, दो लोगों से और मिलना है, बट अगली बार पक्का टाइम निकाल के आऊँगा, मैं और पूजा दोनों आएंगे मिलने के लिए, और अभी भागवा के सबसे मिल रहा हूँ। तो बुरा लग रहा है कि मैंने बुलाया और मैं मतलब ढंग से बात भी नहीं कर पाए, ऐसे भागते भागते बात कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया, रिग्रेट नहीं है, फिर बढ़िया है। तो अभी मैं हूँ वैशाली के पास में और अभी मैं दोस्तों से मिलने आया था, ये अनुभव और ये है प्रदीप, तो वही मिलने आए थे और अभी मिल लिए हैं और अभी लोगों ने ड्रॉप किया मुझे वैशाली के पास में, अब यहाँ से हम पकड़ेंगे अपनी मेट्रो, मेट्रो से फिर हम जाएंगे निजामुद्दीन। तो भाई फिर मिलते हैं जल्दी, चलो हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, दोस्तों से मिलना बहुत ज़रूरी है अभी। तो अभी सीन ऐसा है कि अभी बज रहे हैं 7 और मुझे 8:40 तक ट्रेन पकड़नी है, 40 मिनट है मेरे पास, तो अभी देखते हैं पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये ब्लॉग जो है वो मेट्रो ओरिएंटेड हो गया, मतलब मेट्रो की जानकारी इसमें ज़्यादा आ रही है, बट क्या करूँ मैं आज मेट्रो में सफ़र कर रहा हूँ। तो अभी मुझे पता पड़ रहा है कि आनंद विहार से डायरेक्ट जो मेट्रो है वो नियामुद्दीन के लिए जाती है, तो ये लाइन अभी खुली है, मैं मतलब लॉकडाउन के पहले नहीं थी, अभी हुई है, तो अभी पता पड़ा मेरे को, तो चलो टाइम बच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो भाई अभी सरायका देखा है, स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं ट्रेन निकलने में, तो अभी जल्दी से भाग कर ट्रेन पकड़ते हैं, ऑलरेडी सांस फूल गई। ओ भाई साहब, सही टाइम पर ट्रेन पकड़ ली हमने, आगे डिब्बा हमारा, चलो जल्दी चलते हैं हमें। तो भाई ट्रेन ने हॉर्न दे दिया ऑलरेडी और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, जो मेरा डिब्बा है वो आगे, तो भाग के पकड़ रहे हैं। हाँ
पकड़ लेंगे। फाइनली लास्ट मोमेंट पे ट्रेन पकड़ ली मैंने, ट्रेन एकदम निकल चुकी थी, चलने लगी थी, और मैं जो मेरा डिब्बा है वहाँ पर नहीं पहुँचा क्योंकि वो डिब्बा सबसे पीछे लगा है। मेरे को बताया था कि सबसे आगे लगाऊंगा बट वो सबसे पीछे लगा है, तो अभी मैं दूसरे डिब्बे में आ गया हूँ। बट अभी कोई नहीं, ट्रेन के अंदर पहुँच चुका हूँ, बहुत राहत वाली बात है, ट्रेन का डिब्बा भी मिल जाएगा, यार छूट जाती है। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ ग्वालियर, और अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये दो चेहरे जाने पहचाने ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसा है कि ये लोग जा रहे हैं दिल्ली और मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, और मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा भाई कहाँ है, तो उसने बताया कि ये स्टेशन पे बैठा है। मैंने कहा अरे वाह मैं भी स्टेशन पे आ ही रहा हूँ, तो हमने कहा कि चलो हम मिल लेते हैं, सी ऑफ कर देते हैं इनको, ये तो आए नहीं कहने। अंशियन भाई तुम सी ऑफ कहने नहीं आए भाई, पूरे व्लॉग में आज पूरे दिन में मज़ा नहीं आया, अभी पता है अभी मज़ा आ रहा है, ये वाला सेक्शन इन्जॉय कर रहा हूँ मैं, ये वाला सेक्शन इन्जॉय कर रहा हूँ भाई, आपको बहुत बहुत वो मैंने पूरे दिन बट चाय बहुत पिया आज, बट चेयर्स तो नहीं पिए भाई, चेयर्स भारतीय रेलवे की चाय, हमने हर जगह जाके घाट घाट की चाय पी के सौजन्य से, ये बढ़िया मसालेदार एक आध किलो इलायची वाली चाय हमें मिली है, इलायची डली ग्वालियर स्टेशन पे, हमने घाट घाट की चाय पी और हम आगे भी और घाट की पीने वाले हैं, बिल्कुल फ्राइडे को फिर से आएंगे। तो अभी सीन ऐसा था कि हम लोगों का साथ में जाने का प्लान बन रहा था, बट फिर ऐसा हुआ कि किसी वजह से क्या इन्हीं की वजह से कोई किसी वजह से नहीं, इन्हीं की वजह से एक दिन का डिले हो गया, और ये फालतू में डिले हो गया इनका, वरना अभी ये लोग साथ में जा रहे होते मेरे, और बढ़िया वहाँ पर हो सकता है फिर मैं एक दिन स्टे भी करता वहाँ पर, बट अभी ये लोग जा रहे हैं। अब क्या अब तुम लोग अब जा रहे हो, अब तो बैठे थे मैं वहाँ पर रात भर सोचता अब आएंगे, फिर सो गया तुम लोग, फिर कहते हैं अब एक दिन और रुक जाओ, वाह देख रहे हो। तो भाइयों की ट्रेन आ चुकी है पीछे, ट्रेन में जाएंगे हम, ऑटो से अपने घर जाएंगे, फिर ये लोग ना एक वीक बाद आएंगे, एक वीक बाद हम फिर ब्लॉग में मिलेंगे। एक वीक के लिए ये चेहरे जो हैं वो अभी नहीं आएंगे, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, ये दिल्ली जा रहे हैं। तो चलो ठीक है भाई, तुम लोग होके आओ, तुम्हारा जो सफ़र है वो अच्छा भी थे, चलो भैया हम भी पहुँचते हैं जल्दी से घर पर, आज पूरे दिन भर बेबी से बिटोला से दूर हूँ, तो सबसे पहले जाकर उससे मिलना है, तो जल्दी पहुँचते हैं घर पर। एंड आज मैंने सुबह से ये सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट किया है, सुबह मैं जब स्टेशन पे आया था तब सीढ़ी चढ़ रहा था, फिर मेट्रो में सीढ़ी चढ़ी, और मेट्रो में तो मैंने इतनी सीढ़ी चढ़ी है कि भाई जो लेग का वर्कआउट हुआ है ना वो एक नंबर हुआ है, और अभी भी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अभी आगे उतरने के लिए भी सीढ़ियों पर मेहनत करनी है, तो भाई सीढ़ियों से मन भर गया है भाई। शहर अपने ग्वालियर में आके जो खुशी हो रही है मेरे ब्लॉगिंग स्टाइल से, मतलब बोलने के तरीके से आपको पता पड़ रहा होगा, जोश जो है ना वो आवाज़ में दिख रहा होगा, पूरे ब्लॉग में आपको शांति दिखी होगी बट इस वाले पार्ट में आपको एनर्जी दिख रही होगी, फील कर पा रहे होगे आप, सेम है यार वही, अपना शहर होता है यार। बस 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 अच्छा बैठी 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 अभी घर पे आ चुका हूँ, और सबसे पहले स्वागत किया वाइट ही ने, तो घर पे आने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो किया मैंने अपने सबसे पहले मैंने सारे कपड़े उतारे साइड में रखे उनको अलग, उसके बाद अपने हाथ पैर मुंह और बालों को अच्छी तरह से धोया, उसके बाद फिर जितनी भी चीज़ें हैं अपना फ़ोन अपना वॉलेट वगैरह सारी चीज़ सैनिटाइज़ किए क्योंकि मैं बाहर से होके आ रहा हूँ, और बाहर अभी भी कोरोना के चांसेस हैं तो मतलब रिस्क नहीं लेना है, तो पहले सारी चीज़ें हमने किए, अब उसके बाद हम बिटोला को खिला सकते हैं, तो बिटोला ऑलरेडी सो चुका है, बिटोले आज बिटोले को मैंने बहुत मिस किया पूरे दिन भर, और सो रहा है बिटोला। एंड पूजा अभी मेरे लिए यहाँ पर दाल चावल सर्व कर दिए, थैंक यू एंड सॉरी इतने रात को हम आपको तकलीफ दे रहे हैं, उसके लिए थोड़ा फॉर्मल हो गया, ऐसा कुछ नहीं मतलब तुम हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो चलता है, सॉरी वापस करो। तो अभी बहुत जोर की भूख लगी और खाने में है दाल चावल मेरे फेवरेट और अचार, तो अभी जल्दी से टूट पड़ते हैं खाने के लिए।
बाहर का तुम कुछ भी खा लो, कितने से भी कितना अच्छा आइटम खा लो, बट घर का जो खाना होता है ना उसकी बात ही अलग है, और वो भी दाल चावल, मतलब दाल चावल। तो अभी आज वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया हो, अगर आपने ब्लॉग एंजॉय किया हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी कुछ रिएक्शन हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।